मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। बीच बाजार में दो बेटियों ने अपने ही पिता की चप्पलों से पिटाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों बेटियां चप्पलों से पीट रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों बेटियां बीच बाजार में अपने पिता को क्यों पीट रही हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस कलयुगी पिता की सामत आ गई है। बीच बाजार में वो भी बेटियों के हाथ से चप्पलों से इस पिता की पिटाई की जा रही है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर का है और पिटाई की वीडियो खतौली बाजार की है। इन बेटियों का आरोप है कि उसका पिता उन पर गंदी नज़र रखता था, उन्हें परेशान करता था, जिससे वो तंग आ गई और दोनों बेटियों ने अपने ही पिता को सबक सिखाने का सोच लिया और फिर भरे बाजार में खातिरदारी भी कर डाली। इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर पिता की पिटाई करने वाली बेटी ने क्या कहा है। ये हमारे पापा हैं, मतलब दूसरे पापा हैं, ये बहुत बदतमीजी करते हैं, शराब पी के घर में छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं और शराब पीते हैं, मतलब घर में बदतमीजी करते हैं ज़्यादा। आज क्या मामला हुआ? ये 2 महीने से भागे हुए थे, आज ये यहाँ को निकले जा रहे होंगे तो किसी ने पकड़वा दिया है। फिर क्या हुआ उसके बाद? अब ये थाने में है बस। वहाँ पर आपने उन पर चप्पलें बजाई, क्या वजह है? हाँ, वे मेरे फोटो डाल रहे हैं, फोटो पे गंदे गंदे कमेंट करके फोटो डाल रहे हैं, मैंने इस मारे चप्पल बजाई वहाँ आज। और किस किस को परेशान का? जो शादीशुदा और बहनें मेरी वे हैं, उनकी नंद है, सबको गंदे गंदे फोटो भेज रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं। कितने भाई बहन हम? 8 बहन भाई हैं, 5 बहनें हैं, 3 भाई। जी मैं सौतेली हूँ और एक मेरा भाई वो बाहर रहता है। अच्छा, ये 6 बच्चे जो है इससे ही हैं। उन्हें भी परेशान करते? हाँ, उन्हें भी परेशान करता है। किस तरह से करते हैं परेशान? बाप जैसे दूसरी बहन की शादी हुई है, उनके यहाँ गंदे गंदे फोटो कमेंट करते हैं और ऑडियो भेजते हैं, उनकी नंदों से उल्टी सीधी बात बताते हैं कि मैंने इसे अपने घर में रख रखा है, बहुत गंदे उसमें मतलब। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं इसे जेल हो जाए सर, हम इससे बहुत परेशान हैं। पुलिस ने पकड़ लिया? जी पुलिस ने पकड़ लिया। बेटी ने बताया कि सोशल मीडिया में उसका पिता उनके फोटो डालकर उन्हें बदनाम करता था, मगर शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक मैटर संज्ञान में आया था जिसमें एक महिला ने अपने पति पे आरोप लगाया है कि वो उसकी जो बेटी है उस पर गलत नज़र रखता था और इस संबंध में उनमें कुछ झगड़ा भी हुआ था। इस संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो अभियुक्त है उसको अरेस्ट करके अभी पूछताछ की जा रही है और आगे की अभी विधिक कार्रवाई बची।